पांच बीघा बीजे रूप में प्रजापिता में होता है, सचिव में यह शास्त्री स्थिति में होता है, सचिव में यह तामसी रूप में होता है। बाबा ने मुरली में बोला राम ही रावण पिंडा है, कृष्ण ही कम पिंडा है, कृष्ण कैसे कम कम। गीता का भगवान कौन बनता है? कौन समझता है कि मैं गीता का भगवान हूं साकार में? कौन समझता है? कृष्ण वाली आत्मा ही समझती है बच्चा बुद्धि होने के कारण कि मैं ही गीता का साकार भगवान हूं। तो जो साकार भगवान है वो पतितों को पावन बनाने का धंधा करेगा या नहीं करेगा? संग का रंग लगा करके, और आज की अव्यक्तवाणी में भी इशारा दिया, व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण कौन है? हैं? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल ही व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण है। वो मूल कारण हटेगा तो सब समस्याओं का निवारण हो जाएगा। और जब से मुरली चलाना शुरू हुआ तब से कहेंगे। पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? जब मुरली चलाते हैं, मुरली में नई नई बातें निकलती हैं तो पता चलता है। ऐसी नई बातें तो दुनिया में किसी ने बताई ही नहीं। इसके पहले लिखवाते थे, जो लिखवाते थे वो शिव बाप लिखवाने वाला था, प्रवेश करके लिखवाते थे। और प्रवेश करके लिखवाते थे, लेकिन ब्रह्मा या प्रजापिता में नहीं। प्रजापिता तो पहले ही चला गया, ब्रह्मा में उस समय तक प्रवेश ही नहीं किया था। कोई माताएं निमित्त थी, दस साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, वो भी गुम हो गए। तो माता की तरफ भी इशारा है, उस माता में प्रवेश करते थे, कन्या में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, माता में तो प्रवेश कर सकते हैं, तो माता में प्रवेश करते थे। जरूर रुद्रमाला की कोई निमित्त आत्मा होगी, क्योंकि रुद्राक्ष के मणकों में ही प्रवेशता साबित होती है, विजयमाला में तो प्रवेशता साबित नहीं होती है। और ब्रह्मा के 50 वर्ष है, दो साल आधार में पूरे होते हैं ना, शरीर छोड़ने के बाद। ब्रह्मा ने कृष्ण की जन्म 2036 में जी लेना है। तो ब्रह्मा की किस रूप में? ब्रह्मा की सोल अभी कौन से रूप में प्रवेश कर रही है? चंद्रमा के रूप में।
किसमें प्रवेश होकर के बाप दादा कहा जाता है? वो कौन सा रूप है जिसे एडवांस में बाप दादा कहते हैं? है सूक्ष्म रूप है, साकार शरीर नहीं है जिसमें चंद्रमा प्रवेश करता है। कोई मूर्ति ऐसी है भक्ति मार्ग में, बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है जिसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है? है शंकर की मूर्ति है, वो ही बाप दादा हुए। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। उन बच्चों में बड़ा बच्चा है कृष्ण, इसलिए दादा है, तो बाप दादा कहे जाते हैं। बाप दादा कंबाइंड हैं, एक ही शरीर में कंबाइंड हैं या अलग अलग शरीर हैं? एक ही शरीर में कंबाइंड हैं। तो वो एक शरीर कौन सा है जिसमें बाप दादा कंबाइंड होकर के पार्ट बजाए रहे हैं? कौन सा शरीर है? ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी का शरीर है। मुरली में तो बोला है मैं सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश ही नहीं करता हूं, मैं तो साकार तन में आता हूं, क्यों नहीं प्रवेश करता हूं? क्योंकि सूक्ष्म बतनवासी तो फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों का साकार वतनवासियों से देह का रिश्ता नहीं होता है। फरिश्ते निर्विकारी होते हैं। मैं विकारी में प्रवेश करता हूं या निर्विकारी में प्रवेश करता हूं? विकारी में प्रवेश करता हूं तो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में तो प्रवेश करने का सवाल ही नहीं, उसको तो बाप दादा कहेंगे ही नहीं। हाँ, गुलजार दादी में जो प्रवेश करते हैं वो इसलिए बाप दादा कहा जाता है कि जिस समय प्रवेश करते हैं उस समय स्पेशल याद में रहते हैं ब्रह्मा। बाबा ने बोला है मुरली में, तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा बाबा के साथ कौन हुआ? ब्रह्मा है दादा। जब गुलजार में प्रवेश करता है तो भी दादा ही है ना, उसे दादा के साथ याद के आधार पर शिव बाबा भी साथ में है, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव बाप कोई प्रवेश करते हैं गुलजार दादी में। गुलजार दादी तो कन्या है, कन्या तो पवित्र होती है, पवित्र कन्या में शिव बाप कैसे प्रवेश करेंगे? हाँ, याद के आधार पर साथ हूं, ब्रह्मा के भी साथ हूं, तो बाप दादा कहा जाता है। तो गुलजार दादी का तन भी बाप दादा साबित नहीं होता, ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी बाप दादा साबित नहीं होता। बाप दादा तो इस समय साकार में पार्ट बजाए रहे हैं, कंबाइंड पार्ट बजाए रहे हैं, एक ही शरीर में, एक ही व्यक्तित्व में, एक ही पर्सनालिटी में दो आत्माएं पार्ट बजाए रही हैं, राम बाप। और सृष्टि में जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनमें सबसे पहला बच्चा कृष्ण बच्चा, पहला पत्ता तो दादा हो गया, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। और माता जी इससे पहले यही प्रश्न के बारे में बोल रहे थे, वो समझा रखा के बाद भी क्या ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर में ही पार्ट खेलेंगे? नहीं, वही उनका
सूक्ष्म शरीर में पार्ट इसलिए नहीं खेलेंगे कि वो आत्मा के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं रह जाता है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए तन तो एक ही मुकर्रर रहता है, बाप और दादा का, लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्माएं दो हैं, एक विश्व पिता भी है उस तन में और एक बच्चा भी है जो सतयुग में पहले पत्ते के रूप में साकार में जन्म लेगा। तब तक राम वाली आत्मा के द्वारा संगम युगी कृष्ण के रूप में पार्ट बजाना है। और मंदिर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी का चित्र भी देखना था, और लक्ष्मी नारायण जी का चित्र देखा था मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, तो लक्ष्मी नारायण जी का मतलब क्या है? दशावतार, वो जो दशावतार हैं वो विष्णु के अवतार बताए गए हैं। विष्णु वाली जो आत्मा है, वैष्णवी देवी का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसमें विष्णु का विशेष पार्ट, जिस विष्णु को स्त्री और पुरुष कठोर पार्ट और कोमल पार्ट दोनों ही पार्ट धारियों में समान दिखाया गया है। न ब्रह्मा की तरह ज्यादा लीनेंसी वाला पार्ट है और न शंकर की तरह ज्यादा कठोरता का पार्ट है, दोनों संस्कारों में समान है, इसलिए वैष्णवी देवी कहा जाता है। विष्णु देवता नहीं है, जो विष्णु के चार भुजाएं हैं उन चार भुजाओं में वैष्णवी का पार्टधारी कौन सी भुजा है? अरे ज्ञान का शंखनाद कौन करता है? हैं? विष्णु करता है। जो शंखधारी प्रजा आत्मा है वो लक्ष्मी की आत्मा है, वो लक्ष्मी वाली आत्मा ही विष्णु का मुख्य पार्टधारी है। भले उस आत्मा को चलाने वाली आत्मा भुजा के रूप में है या मनबुद्धि के रूप में दिखाई गई है, हाँ? भुजा स्वयं चलती है या मनबुद्धि के द्वारा चलाई जाती है? ब्रह्मा कितने हैं, हाँ? पांच ब्रह्मा माने गए हैं, तो चार ब्रह्मा की तो भुजाओं के रूप में प्रसिद्धि दिखाई गई है विष्णु में, लेकिन उन भुजाओं को चलाने वाला राम बाप है, इसलिए वो विष्णु देवता है। परंतु विष्णु देवता जो है वो पार्ट नहीं बजाता है, बैलेंस का विष्णु है प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला, तो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली लक्ष्मी है या राम या शंकर वाली आत्मा है? लक्ष्मी है, प्योरिटी से ही प्रैक्टिकल होता है। पुरुष तो सारे ही दुर्योधन दुशासन है, उन पुरुषों में ब्रह्मा भी आ जाता है तो शंकर भी आ जाता है, कृष्ण भी आ जाता है तो राम भी आ जाता है। इसलिए जो विष्णु के अवतार दिखाए गए हैं उनमें एक अवतार नरसिंह का भी है।
तो लक्ष्मी को नरसिंहानी दिखा दिया तो कोई बुरी बात नहीं, ठीक दिखाया। और बाबा गांव में शिवलिंग का मंदिर थे, रात को 8 बजे को माँ काला को छोड़ते हैं, रात्रि 8 बजे को छोड़ते हैं माँ काला को, फिर शिवलिंग शिवरात्रि दिन में छोड़ रहे, इसका बेहद में क्या छोड़ने का क्या मतलब? छोड़ते नहीं वो मंदिर में अंदर छोड़ते नहीं माता, रहने नहीं देते। हाँ, कन्या माताओं को रात के 8 बजे के बाद नहीं रहने देते, नहीं छोड़ते नहीं, 8 बजे के बाद छोड़ रहे, 8 के बाद छोड़ रहे, मंदिर में आने देते हैं, दिन में नहीं छोड़ रहे, दिन में नहीं आने देते, शिवरात्रि दिन में छोड़ रहे, दिन में शिवरात्रि के दिन भी आने देते हैं, छोड़ रहे, 4 बजे के बाद छोड़ रहे। शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे से लेकर सारी रात कन्या माताओं को आने देते हैं, और दिनों में रात को 8 बजे आने देते हैं। और वो मंदिर कहाँ पर है? ताली परम्बा में। ताली परम्बा जो है वो किसकी यादगार है? देवता की यादगार है या अम्बा की यादगार है? ताली परम्बा देवता की यादगार है या देवी की यादगार है? हैं? अम्बा है ना शब्द, वो देवी की यादगार है, देवी को भी लिंग के रूप में दिखाया जाता है, जो वैष्णवी देवी है वहां 3 लिंग स्थापन किए हुए हैं, ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति, विष्णु की सहयोगिनी शक्ति और शंकर की सहयोगिनी शक्ति, तीनों की 3 पिंडियां दिखाई गई हैं। तो ताली परम्बा भी जिसकी यादगार है वो भी रुद्राक्ष का मणका है या विजयमाला का मणका है? हैं? रुद्राक्ष का मणका है, रुद्राक्ष के मणके में भी शिव प्रवेश करते हैं, इसलिए जो जगदम्बा की पुजारी हैं उन्होंने खास जगदम्बा को भी शिवलिंग के रूप में मान लिया। क्या? खास जगदम्बा को भी मान लिया, और जगदम्बा के मंदिर के हिसाब से शिवलिंग माना जाने के हिसाब से कन्याओं माताओं को भी रात के 8 बजे प्रवेश करने की परंपरा चालू है। बाकी और मंदिरों में तो सन्यासी लोग कन्याओं माताओं को इनकार करते हैं, मना करते हैं कि शिवलिंग की पूजा ही नहीं करनी है, रात को ठहरने भी नहीं देते हैं। और अब अभी तो अंतरराष्ट्रीय खत्म हो गया होगा ना वैष्णवी का, हैं? 33-35 साल के हिसाब से देखा जाए, हाँ, तो वैष्णवी देवी का अंतराल, वैष्णवी का पाठ प्रैक्टिकल में कौन से सन से शुरू हुआ? है? 2008? 2004 से, 5 से, 2005 से शुरू हुआ ना, तो जैसे यज्ञ के आदमी अंतराल का टाइम 10 वर्ष था, सन 36 से लेकर 46 तक, ऐसे यहाँ भी अंतराल का टाइम है वैष्णवी देवी के लिए खास प्रत्यक्ष होने का। जब लक्ष्मी निकल के मैदान में आ जाएगी तो सारा खेल कलास, फिर तो राजधानी ही स्थापन हो जाएगी।
तो 5 से लेकर के 15, जैसे 76 था बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, और फिर 1 वर्ष बताया रुंग का, तो 77 हुआ संपूर्णता वर्ष। ऐसे ही ये 15 में पूरा होने के बाद 10 साल, ये 16वां साल शुरू हो जाता है। ये परिवर्तन का समय है, संपूर्ण सूर्य उदय होने का समय है। एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय हो जाता है। इसलिए अभी भी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उदय हो रहा है या नहीं हो रहा है? गुलजार दादी में उदय हो रहा है, दूसरी ओर ज्ञान सूर्य की प्रत्यक्षता भी होने वाली है। टाइम आ गया, प्रत्यक्षता का नियम है। पहले कलयुगी के रूप में प्रत्यक्षता होगी या सात्विकता के रूप में प्रत्यक्षता होगी? कलंकी अवतार के रूप में प्रत्यक्षता होती है। तो ये टाइम चालू है और किस किस की यादगार है? एक ही यादगार है या कोई लिंग है? किसकी यादगार? एक ही यादगार है, ये 12 ज्योति के लिंग हैं। लिंग किसको कहा जाता है? शरीर को नहीं कहा जाता है, शरीर के उस अंग को कहा जाता है जिस अंग की पूजा सिर्फ एक की ही होती है, 12 की नहीं होती। वो कौन है जिसके लिंग की ही पूजा होती है और देवताओं की सभी इंद्रियों की पूजा होती है, लिंग की पूजा नहीं होती है? लेकिन एक आत्मा ऐसी है जिसके लिंग की ही पूजा होती है, वो कौन है? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा। इसका मतलब कोई साकार में व्यक्तित्व है जो लिंग के रूप में सारे भारतवर्ष में और दुनिया में भी पूजा जाता है। लिंग कामेंद्रिय की निशानी है। सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल विकार की इंद्रिय कौन सी है जो कंट्रोल करना मुश्किल होता है? लिंग ही है। और पुरुषों के बस की बात नहीं है जो उस कामेंद्रियों को कंट्रोल कर सके 100%ली। ये तो एक शिव बाबा ही है जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करता है उसके द्वारा कामदेव को पूरा ही भस्म कर देता है, कंट्रोल कर लेता है। इसलिए एक की यादगार है लिंग, परंतु वो एक 11 रुद्रों में भी प्रवेश करता है, खास खास करके। ऐसे तो 108 आत्माएं हैं रुद्रमाला के मण के, उनमें भी आमतौर पर प्रवेश करता है, लेकिन 11 रुद्रगण हैं जिनमें वो प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है। तो 11 वो और एक मुख्य मुकर्रर तनधारी, कितने हो गए? 12 शिवलिंग पूजे जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई 12 आत्माएं हैं जो भगवान का पाठ बजाती हैं, संग के रंग से पतितों को पावन बनाती हैं, ऐसी बात नहीं है। शिव बाबा का बाबा नहीं कहते हैं उसको, जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो शिव बाप है या शिव बाबा है? शिव बाप तो एक प्रजापिता में प्रवेश करता है। हाँ जी, वो एक मुकर्रर रथ में ही प्रवेश करता है। हाँ,
और जो 11 में प्रवेश करती है, हाँ, वो संपन्न होने के बाद प्रजापिता वाली आत्मा ही जो शिव समान बन जाती है, शिव के साथ जिसका नाम जोड़ा जाता है, वो कोई भी आत्मा में प्रवेश कर सकती है। इसलिए भक्ति मार्ग में उसी का गायन हो जाता है सर्वव्यापी। ये याद के आधार पर व्यापी है। निराकार ज्योत बिंदु को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? साकार को याद करना सहज है। जब सारी दुनिया में ताबड़ तोड़ विनाश होगा तो नास्तिक आत्माएं भी उस साकार को याद करने लग पड़ेंगी। उनकी याद उनमें भी समा जाएगी। बाबा, ये 11 में अष्टदेव आते हैं? 11 में जो 8 हैं, जिनमें मुकर्रर रथधारी भी शामिल है, वो आस्तिक हैं फुल, और बाकी हैं नास्तिक, जो इस्लाम धर्म के बीज हैं या मुस्लिम धर्म के बीज हैं या क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं या रशिया के नास्तिक के नास्तिकों का बीज है। और अष्टदेवों का अर्थ क्या है? देव 84 जन्म लेने वाले बनते हैं या कम जन्म लेने वाले भी बनते हैं? है, 84 जन्म लेने वाले देव बनते हैं, वो जरूर संपूर्ण ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो नौकुरियों के भी होते हैं, लेकिन वो नौकुरी जो हैं वो एक से एक ऊंची हैं। जो कमजोर कुरी के ब्राह्मण हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो देवता की लिस्ट में नहीं आते हैं, वो पक्के देवता नहीं हैं। इसलिए 12 में से 8 ही हैं जो पक्के देवता हैं। वो सूर्यवंशी हैं, दूसरे धर्म में जाने वाले नहीं हैं। और कर्मों में जन्मों को फॉलो करना होता है, हाँ, और बात को इसको फॉलो करना पड़ता है। श्रीमत मेरी मानो और कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो। आज बोला, आज मुरली में बोला, बाप को फॉलो करना, बाप को फॉलो करना, श्रीमत में फॉलो करो। जैसे बाप चलाए वैसे फॉलो करो, वैसे चलो। ब्रह्मा को, ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है, उल्टा नहीं करना कि कर्मों में बाप को फॉलो करना है और श्रीमत ब्रह्मा की मानना है। ब्रह्मा तो लूज श्रीमत भी दे देते थे। कोई बच्चे आते थे, बाबा घर वालों को बहुत प्रेशर पड़ रहा है, शादी तो करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चे, शादी कर लो, पवित्र रह करके दिखाना। वो हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा ने कईयों की शादी करा दी, गंधर्व विवाह करा दिया, फिर उनका क्या हाल हुआ? दिल्ली के लक्ष्मण भाई हैं, शुक्ला दीदी हैं, क्या आगे बढ़ सके? नहीं बढ़ सके। बाप को भी नहीं पहचान सके। तो आज की अगली कहानी में था, जैसे ब्रह्मा बाप ने व्यक्ति को समाप्त किया, वहाँ पे ब्रह्मा बाप का मतलब प्रजापिता, क्योंकि उसका ब्रह्मा तो अभी भी व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कौन करेगा? जिसमें पूरा ज्ञान होगा वो समाप्त करेगा,
या जिसमें अधूरा ज्ञान होगा वो व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करेगा। पूरा तो पूरा ज्ञान किसी में है या नहीं है? ज्ञान देने के निमित्त तो कोई बना है या नहीं बना है? और एक ही निमित्त बना है कि 10-20-5 या 100-200 निमित्त बने हैं? तो जो एक निमित्त बना है संपूर्ण ज्ञानी के होने के आधार पर, उसी का टाइटल है ज्ञान सागर। उस सागर में सब नदियां, गड़ीचे, पोखरे, तालाब, सरोवर सब समा जाते हैं। तो जो ज्ञान में परिपूर्ण है उसके व्यर्थ संकल्प चल ही नहीं सकते। जिसको अधूरा ज्ञान होता है, कोई परिस्थिति सामने आ जाती है तो संकल्प चलने लग पड़ते हैं उल्टे पलटे, क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं है। ज्ञान की तलवार से वो व्यर्थ संकल्पों को काट नहीं पाता है। और ये 76 में प्रत्यक्षता वर्ष था, हाँ, और 77 में संपन्नता वर्ष। तो ये संपन्नता के बाद कभी भी उनका व्यर्थ संकल्प चला ही क्यों नहीं? तो वो तो आप ही बोल रहे हैं, पहले थोड़ा ही बोल दिया। पहले क्या बाप दादा कंबाइंड हो गए संपूर्ण रूप से? 87 में दादा की सोल मृत्यु लोक को छोड़ती है या उससे पहले ही छोड़ देती है? अभी 16 साल है, अभी 16 साल पूरा। 87 में कृष्ण की आत्मा अपने 100 साल पूरे करती है। राम वाली आत्मा भी सिंगल गाई जाएगी या प्रवृत्ति में गाई जाएगी? गायन यहाँ प्रवृत्ति में होना है देवताओं का, ब्राह्मण देवों का, या निवृत्ति में होना है? तो प्रवृत्ति उनकी कब पूरी होती है? रामकृष्ण वाली आत्माओं की, जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाते हैं, कब कहें? 76 में, 77 में या 87 में? प्रवृत्ति में तो 87 में। हाँ, 87 में प्रवृत्ति पूरी कहें। दोनों आत्माएं एक ही रंगमंच पर आ गईं, मृत्यु लोक में दोनों में से कोई भी नहीं है मन के संकल्पों के आधार पर। और बाबा 2018 में दशमी प्रतिशत होगा, 2018 में जिसमें जो प्रत्यक्ष होता है, 18 में, हाँ, जिसमें प्रत्यक्ष होता है, 18 में प्रत्यक्ष हो, 17 में हो, 16 में हो, हाँ, उसके बाद प्रजापिता का पार्ट क्या? प्रजापिता का पार्ट वो प्रजा का पिता है या विश्व का पिता है? विश्व पिता में और प्रजापिता में कोई अंतर है या नहीं है? प्रजापिता पतित है या विश्वपिता पतित है? प्रजापिता पतित है, विश्वपिता को पतित थोड़े ही कहेंगे। और बाबा मंदिर में बोला था, मैं अंतिम समय बच्चों में प्रवेश करके बच्चों को धैर्य दूंगा, बच्चों को धैर्य दूंगा। धैर्य? अभी धैर्य नहीं देते, धीरे धर मनुआ धीरे धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। 108 में प्रवेश करेंगे या ज्यादा भी? जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें प्रवेश करते हैं, सब में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। हाँ, बाप दादा की जो प्रवेशता है संपन्न होने के बाद, जो रुद्रमाला के बीज रूप आत्माएं हैं उनमें प्रवेश करेंगे, या जो रानी बनने वाली आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, उनमें प्रवेश करेंगे? हाँ, जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं लेकिन पवित्र नहीं हैं, ऐसे बच्चों में प्रवेशता होती रहेगी। लेकिन बाप दादा की प्रवेशता होगी, शिव बाप की नहीं। शिव बाप तो एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? एक व्यापी है।
है विष्णु का आनंद बोलते हैं अनंत कौन है? अनंत शाही। आनंद है या वासुकी है? आनंद नहीं है, उसका नाम आनंद नहीं है, उसका नाम है अनंत। अनंत भगवान कृष्ण के साथ कौन सा भाई दिखाया गया है? बलराम का जन्म अनंत भगवान का जन्म है। अनंत को सात फण दिखाए गए हैं। क्या सात फण जो हैं? वो सात नारायणों के सूचक हैं। वो सात फण वाली आत्मा, वो बलराम वाली आत्मा जिसका हल शस्त्र के रूप में दिखाया गया है, जो धरणी को चीरने वाला है, कन्या माता रूपी धरणी को, वो अनंत ही विष्णु के पार्टधारी का रक्षक बन जाता है। जैसे रामायण में हनुमान को रक्षक दिखाया गया है, किसका? राम का रक्षक दिखाया गया है। तो हनुमान वाली आत्मा शेषनाग अनंत की आत्मा, बलराम की आत्मा, ये कोई अलग अलग पार्टधारी नहीं है, एक ही आत्मा के अलग अलग रूप दिखाई दिए गए हैं शास्त्रों में। बाकी गीता का भगवान जो कृष्ण है, वो तो कृष्ण का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? वो तो शिव बाबा का पार्ट है। शिव बाबा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसका पार्ट है, बाकी कृष्ण वाली आत्मा का पार्ट नहीं है। और बाबा 9 लाख में 1 लाख सालिग्राम। हाँ जी। ये सालिग्राम के लिए मंदिर नहीं बनते, पूजा तो होती है। हाँ जी। इसका कारण पवित्र रहे हैं या नहीं रहे हैं? पवित्रता का उन्होंने पालन किया है या नहीं किया है? पूजा का आधार क्या है? पूजा तो होती है। पूजा होती है माने पवित्र रहे कि नहीं रहे? तो पवित्र रहे, शरीर से पवित्र नहीं रहे, लेकिन मन बुद्धि ऊपर आम रही या नहीं रही? मन बुद्धि से उपराम होने की प्रैक्टिस की या नहीं की? है की? तो इसलिए शालिग्राम की पूजा होती है। शरीर से पवित्र ना रहने के कारण इसलिए बंधन दिखाया जाता है। विकारों का बंधन है सर्प का, वो बंधन भी जब खत्म हो जाए तो संपूर्ण बन जाए। उनका मंदिर क्यों नहीं बनता? ओहो, मंदिर साकार का बनेगा या निराकार का बनेगा? साकार शरीर से पवित्र रहे या सिर्फ मन बुद्धि से पवित्र रहे? मन बुद्धि को उपराम ऊपर उड़ा दिया या तन की इंद्रियों से भी पवित्र रहे? काय से पवित्र रहे? मन बुद्धि से पवित्र रहे, इसलिए उनकी निराकारी स्टेज दिखाई गई है शालिग्राम के रूप में। शरीर तो तब दिखाया जाए जब शरीर की इंद्रियों से पवित्र बन करके दिखाए, तो वो तो विष्णु रूप है। और गायत्री मंत्र, क्योंकि तीन देवियां मुख्य हैं जिन्होंने बहुत सेवा की है। त्रिदेव हैं तो उनकी तीन सहयोगी शक्तियां भी हैं, उन्हीं तीन सहयोगी शक्तियों का गायन है। और ब्राह्मण जितने भी ऋषि हुए हैं,
मुनि हुए हैं उनके आधार पर ये गोत्र बन गए। तो नौ ऋषियों के जो अलग अलग नाम है उनके आधार पर ये नौ गोत्र बन गए। भारद्वाज गोत्र है, है? शांडिल्य गोत्र है, ये गोत्र है ना, तो अलग अलग नाम है ऋषियों के। और जब तीनों देवियां मिलकर के काम करेंगी तो एक ही देवी हो जाएगी जिसका नाम गायत्री पड़ेगा, या तीन अलग अलग रहेंगी? अभी तो अलग अलग हैं, इसलिए गायत्री के रूप में संपन्न स्टेज का गायन है। उनको संपन्न हम ही करते हैं, इसी टाइम आवाहन करते, इसलिए वो गायत्री मंत्र। आवाहन करने से संपन्न नहीं हो जाते हैं, वो अपने पुरुषार्थ से संपन्न होते हैं। एडवांस कोर्स लेंगे, बाप का परिचय बुद्धि में बैठेगा, बाप की याद करेंगे, बाप की सेवा करेंगे तो संपन्न बनेंगे। हमारे आवाहन करने से नहीं संपन्न होते, आवाहन करने वाला संपन्न करने वाला है। आवाहन करने वाला नीचा है या ऊंचा है? नीचा है, उसको जरूरत है तो आवाहन किया। विजयमाला रुद्रमाला का आवाहन करती है, है? नहीं करती। अरे प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं प्यासा के पास आएगा, क्या होगा? प्यासा कुएं के पास जाए। तो कुएं की महत्ता है, प्यासे की महत्ता नहीं हुई। दस कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, दस कर्म, दस कर्म इसका ग्रंथ है, इसका व्याख्यान धर्म बिना करते हैं। अंतिम समय में जो व्याख्या करेंगे वो अधूरी व्याख्या करेंगे, वो टीचर तो बनेंगे, टीचर बनकर के व्याख्या तो करेंगे लेकिन संपूर्ण व्याख्या भगवान की तरह करेंगे या अपनी अलग तरीके से अधूरी व्याख्या करेंगे? अधूरी व्याख्या करेंगे तो उनको फॉलो करने वाले भी अधूरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और गाइड पूछ रहा है, बरमुडा ट्रायंगल में जो भी बस जाता है वापस नहीं आता, अर्थ नहीं हो जाता है। स्थूल अर्थ यही है, स्थूल चीजें जाती हैं, वो वहाँ भूत प्रेतों का अड्डा है, जिन भूत प्रेतों के अड्डे में वो फंस जाते हैं। और वहाँ सूक्ष्म शरीर में कई लोग हैं। हाँ, सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का अड्डा है, जिस अड्डे में जाने से वैज्ञानिक लोग भी कतराते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक लोग आत्मा के सूक्ष्म रूप को नहीं मानते, नहीं मानते हैं, लेकिन जानते तो हैं कि ये खतरनाक चीज है, उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। लेकिन एकत्र क्यों होता है? क्यों एकत्र होता है? बाप विदेशी बन के आया है या स्वदेशी बन के आया है? तो विदेशी बन के बाप आया है तो बाप विदेश में रहता होगा, खास करके तुम्हारे एडवांस में जो बाप बाप के रूप में पार्ट बजाए रहा है वो भारत का विदेश कौन सा है? हैं? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में ज्यादा चक्कर लगाए रहा है या नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चक्कर लगाए रहा है?
विदेश में ज्यादा रह रहा है, तो बाप विदेश में बैठा है तो वो आत्माएं भी वही अड्डा जमाया हुआ उन्होंने, कि हमारी भी गति सदगति कहां से होनी है? बाप की गोद से बाप के नजदीक होगी या बाप से दूर होकर के रह होगी? भूत प्रेत आत्माओं की सदगति होगी या नहीं होगी? होगी। भूतनाथ कहा जाता है, किसका गायन है? बाप का ही गायन है भूतनाथ। भक्ति में चंद्र एक चित्र है, भक्ति में एक चित्र है, चंद्र के गोद में कृष्ण को दिखाया है, बच्चा है कृष्ण, बच्चा। हाँ, कृष्ण बच्चे को दिखाओ, गणेश को दिखाओ, बात तो एक ही हो गई। अरे गणेश कोई अलग आत्मा है क्या? गण माने देवगण, ईश माने स्वामी, गण ईश दोनों शब्दों को मिला के हुआ गणेश, माने देवगणों का जो स्वामी है वो ही गणेश हो गया। जो देवताएं हैं उनमें धारणा ज्यादा होती है या ज्ञान ज्यादा होता है? देवताओं में धारणा ज्यादा होती है या ज्ञान होता है? धारणा ज्यादा होती है। तो धारणा करने वालों में मुख्य आत्मा कौन है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में धारणा करने वालों में मुख्य आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। जितना ज्ञान उन्होंने गहराई से समझा उसको 100% उन्होंने धारण भी किया। अगर वो एडवांस की रीति से ज्ञान को समझ लेंगे तो वो 100% वो धारण भी करेंगे। अब मालूम ही नहीं है तो धारणा कहां से करें? इसलिए धारणाओं का राजा है धर्मराज। इसलिए कृष्ण वाली आत्मा धारणा करने वालों में अव्वल नंबर है। और गणेश कही जाती है, देवगणों का स्वामी है इसलिए उसकी पहले पूजा होती है। क्या है? और भाई बैजू भाई है, एक बोल रहे थे, तीन आत्माएं हैं शंकर में भी, एक तो कृष्ण बच्चा जो मुझे पढ़ता है, एक शिव बाप जो इसका क्लैरिफिकेशन देता है, राम बाप क्या करते हैं बैठकर? याद करेगा, याद के सिवा कुछ भी नहीं करते। बहुत से बाप की पहले ही संक्षेत्र में ही पक्की निश्चय हो गया कि निश्चय होने में कुछ कमी रह गई। बाप का सबसे ज्यादा निश्चय और परिपक्वता बुद्धि में किसके बैठी? राम बाप की बैठी। तो जिसको निश्चय हो गया उसको ज्ञान का मनन चिंतन मंथन या मुरली की पढ़ाई अड़ाई की दरकार है? वो सर्विस की याद दरकार है? वो तो जानती है तमो प्रधान आत्मा सर्विस कर ही नहीं सकती। तमो प्रधान आत्मा सर्विस करती है या बाप दादा सर्विस करते हैं? बाप दादा सेवा करते हैं। हाँ, तमो प्रधान आत्मा हिम्मत कर सकती है बाप को याद करने की। तो जितनी हम हिम्मत करेंगे उतना बाप दादा खुद आके सेवा करेंगे। तो फालतू मुसीबत उठाने की क्या जरूरत? तो राम वाली आत्मा कहो, शंकर कहो, उनका चित्र दिखाया जाता है याद में बैठा हुआ, वो याद करते हैं। शिव ज्ञान सुनाते हैं, वर्षा देते हैं, सदगुरु के रूप में सदगति करते हैं, ब्रह्मा की सोल पढ़ाई पढ़ती है, टेस्ट बुक पढ़ती है। इस राज को वो तथाकथित ब्राह्मण नहीं जानते हैं, इसलिए प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा बाबा है हमारी मुरली क्यों पढ़ता है? अरे मुरली भगवान की है या हमारी तुम्हारी है? भगवान की मुरली पर सबको हक है या किसी को है या किसी को नहीं है? सबको हक है।
अष्टदत्तन में है वो शुद्धोदन वाली आत्मा अष्टदेह में है। शुद्धोदन वाली आत्मा जो शुद्धोदन सिद्धार्थ का बाप है वो बीज है या आधार है, और बुद्ध प्रवेश किस में करता है? सिद्धार्थ में। तो बीज रूप आत्मा वो मुखिया होती है या आधार मूर्त आत्मा मुखिया है? हैं? बीज रूप आत्मा मुखिया है, तो बीज रूप आत्मा को कहेंगे रतन। जैसे धर्म एक दूसरे से कम पावरफुल है ज्यादा पावरफुल है, ऐसे रतन भी एक दूसरे के मुकाबले ज्यादा कीमत वाले हैं या कम कीमत वाले हैं, एक जैसे नहीं है। उन रतनों में भी सबसे ज्यादा कीमत किसकी होती है? हीरा की। तो अष्टदेव क्या है? हीरा है, हीरो पार्टधारी है, या एक दूसरे से कम कीमत वाले हैं? सब हीरे हैं। और लेकिन ये अष्टदेव जो है ये तो पूर्वज आत्मा, पूर्वज माने सबसे पहले जा जन्म लेने वाले, उनसे पहले उस धर्म में किसी ने जन्म नहीं लिया। तो ये जो शुद्धोदन की आत्मा है ये सिद्धार्थ को जन्म देगा, लौकिक सिद्धार्थ को जन्म देगा। वो अष्टदेव में नहीं है, अष्टदेव वो कम वैल्यू वाली आत्मा है, सूर्यवंशियों के मुकाबले हीरों के मुकाबले या ज्यादा वैल्यू की आत्मा है। तो फिर जो रतन होते हैं वो एक दूसरे से कम वैल्यू के होते हैं, इसलिए वो रतन हैं, देव नहीं है। हाँ, हीरे भी नहीं है, हीरा तो अव्वल नंबर, रतन को हीरा कहा जाता है, तो अव्वल नंबर में अष्टदेव है। हर धर्म में अव्वल है कौन? हर धर्म में अव्वल हीरे हैं या रतन हैं? हीरे अव्वल है। अरे शुद्धोदन का भी कोई बाप होगा कि नहीं होगा? वो अष्टदेव है। बाबा जो कुछ आत्माएं हैं जिनका एक जन्म होता है, जैसे 84 है सबसे ज्यादा और एक है सबसे कम, तो जो एक जन्म लेने वाले अगर कोई महात्मा है अभी लौकिक दृष्टि में, उनका पुरुषार्थ कब होगा? महात्मा, महात्मा मतलब ये मैं नहीं, वो मतलब अभी जो बड़े राजाओं की जगह जैसे रह रहे हैं प्रवेश का जन्म लेकर, उनके एक जन्म कैसे कहेंगे? एक जन्म लेने वाली तो आत्माएं वो होंगी जो अंत में पतंगे मिसल आएंगी और खत्म हो जाएंगी, कीड़े मकोड़े हैं। और उनका मान मर्तबा क्या होगा? पुरुषार्थ भी नहीं। जैसे दीपावली पर ढेर के ढेर पतंगे पैदा हो जाते हैं, रात को पैदा होते हैं, सवेरे को मर जाते हैं, उन आत्माओं का पार्टी ही इतना है। आनंदा के पास बजाने के लिए हैं, आनंदा के पास बजाने के लिए बाबा लक्ष्मी में प्रवेश करेंगे। कौन? लक्ष्मी, लक्ष्मी में प्रवेश करेंगे पालना के पास बजाने के लिए। हाँ, पालना प्योरिटी से होती है या इम्प्योरिटी से पालना होती है? प्योरिटी से पालना होती है। तो प्योरिटी शिव बाबा धारण करेंगे या आत्माएं धारण करती हैं? आत्माएं धारण करती हैं। शिव बाबा तो है ही हमेशा एवर प्योर, उसको धारण करने की दरकार ही नहीं। तो लक्ष्मी वाली आत्मा निमित्त बनी हुई है पवित्रता का पार्ट बजाने के लिए।
उसमें ऑटोमेटिक धारणा के गुण हैं। राजाओं को 100-100, 200-200, 500-500 रानियां होती थी। कोई एक मुखिया रानी होती होगी या नहीं होती होगी, हैं? तो सब रानियों की जो पालना साक्षी होकर के करेगी, सहनशीलता पूर्वक जो पालना करेगी वो महारानी होगी, या जो ईर्ष्या द्वेष पूर्वक पालना करेगी वो महारानी होगी? कौन होगी? जो सहनशीलता का गुण वाली होगी, जिसमें विकार के दोष ज्यादा नहीं होंगे, निर्विकारी स्टेज वाली होगी, उसे विकार से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, राजा का सहयोग देना है, ये भावना बुद्धि में है, राजा के परिवार को सहयोग देना है। तो ऐसी भावना जिसके अंदर है, ईर्ष्या द्वेष रहित भावना, वो महारानी की स्टेज को धारण करती है, वो ही पालना कर सकती है। और आत्मा स्टेज धारण करनी है कि देह रूपी वस्त्र की स्टेज धारण करनी है? आत्मा की स्टेज धारण करनी है। तो शंकर का जो पार्ट है, जब से शंकर का पार्ट प्रत्यक्ष होता है, तब से वो आत्मिक स्थिति धारण करने में सबसे आगे है या पीछे है? तो नंगा है या कपड़ा पहनने वाला है? देह का कपड़ा पहनने वाला है या नंगा है? नंगा है। नंगे को थोड़ी कोई लोकलाज होती है कि हमारी ग्लानी हो रही है, समाज में हमारी बहुत हाय हाय थू थू थैया हो रही है, नंगे को परवाह रहती है? नंगा तो बिल्कुल परवाह नहीं करता, कहते नहीं, अरे बड़ा नंगा आदमी है। हाँ, जो भक्ति मार्ग में जो लोग मंदिर में जाते हैं, तो आम जनता से प्रार्थना करता हूँ, हाँ, और छोटे तो यहाँ होते हैं, हाँ, एक तो बेसिक में हो गया है, तो बेसिक में आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं या उनकी ज्ञान की आंख तीसरी खुली हुई है? हैं? ज्ञान की आंख जो है वो बंद है, समझ ज्ञान को कहा जाता है, वो समझ नहीं है। बाप की समझ उनके अंदर है? बाप की पहचान या बाप की समझदारी उनके अंदर है? नहीं है, तो इसलिए अज्ञानी है, ज्ञान की आंख बंद है। इसलिए भक्त लोग भी भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? बंद आंखें करके भगवान को याद करते हैं। शहरवान में जो ग्रामीण स्त्री को अंतर्जन कर घर के अंदर ही रहते हैं, कौन ब्राह्मण? यहाँ के ब्राह्मण घर के अंदर रहते हैं, ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मणों की पत्नियाँ अंदर ही रहते हैं, घर के बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर रहती हैं। हाँ, उनको अंतर्जन कहते हैं। अंतर्जन, अच्छा, हाँ, तो है, तो अंदर ही तो रही पड़े हैं। नहीं, ये तो बेसिक वाला तो अंदर रहता है, वो स्थूल रूप में अंदर बाहर रहने की बात थोड़ी ही है, ये तो बेहद के अंदर रहने की बात है। ब्राह्मण परिवार के अंदर ही रहते हैं या बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है? अंदर ही है। और बाहर की दुनिया के कनेक्शन में गृहस्थी आते हैं या जो सरेंडर्ड हैं वो आते हैं? कौन आते हैं? गृहस्थी आते हैं। और एडवांस में सारे गृहस्थी हैं या अंतर्जन हैं? सब गृहस्थी है। और
था, वो बाबा ने कहा था ये अष्टदेवों में भी चार जोड़ा बनते हैं। हाँ। और जो ऊपर की दो जोड़ा है उससे स्वर्ग का पहला है? बनता है, स्वर्ग का जो बुनियाद बनता है फाउंडेशन। हाँ। वो पहला युगल पहला ये भाई भाई आत्मा भाई भाई के उस जोड़े से बनता है। हाँ। वैसे ही दूसरा तीसरा और चौथा जोड़ा भी होगा ना, तो हुआ ना बौद्ध धर्म का इस्लामी धर्म का। हाँ, उनका भी वैसे ही चल रहा है अभी। हाँ, क्यों नहीं चल रहा है? वो नहीं चलेगा तो चार जोड़े कहाँ से बनेंगे? चार जोड़े का मतलब है दो जोड़े हैं प्रवृत्ति मार्ग के और दो जोड़े हैं निवृत्ति मार्ग के, बौद्धि और इस्लामी। ये दो पावरफुल धर्म हैं, वो दोनों निवृत्ति मार्ग के हैं, और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये दोनों हैं प्रवृत्ति मार्ग के। चारों की बीज रूप आत्माएं हैं या नहीं है? चारों धर्म की, सूर्यवंशियों की, चंद्रवंशियों की, इस्लाम वंशियों की, बौद्ध वंशियों की बीज रूप आत्माएं एडवांस में हैं या नहीं है? है? तो जो पूर्वज आत्माएं हैं, सबसे पहले जन्म लेने वाले बीज हैं, उनकी सहयोगी शक्तियां भी हैं। वो रुद्रमाला में है या विजयमाला में है? वो विजयमाला में है। इसलिए चार चंद्रवंशी और चार सूर्यवंशी, ये आठ मिलकर के चार जोड़े बनते हैं जो खास अष्टदेव हैं। बाकी और भी आत्माएं हैं जो सहयोगी धर्मों से कनेक्टेड हैं, वो आम अष्टदेव हैं। और अरे बारह ही राशियां हैं दुनिया में, दुनिया के जितने मनुष्य हैं वो कितनी राशियों में बांटे गए हैं? बारह राशियों में बांटे गए हैं। तो हर धर्म की आत्माएं बारह किस्म की हैं। और ओम शांति।